हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। और आज का दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, आप सब लोगों को मालूम है। और इसके तहत आपको पता भी होगा, उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए ऑफर भी लेकर आया है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 90% तक का ऑफ मिल रहा है, ये भी आप लोगों को मालूम है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग SSC GD के PYQs। आपको मैं कंप्लीट रिवीजन करवा चुका हूँ, कंप्लीट चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर टॉपिक वाइज चीज़ों को मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको 2022-23 के पेपर सोल्व करवा रहा हूँ दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के वहाँ पे पूछे गए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे। और आपको पता भी चल रहा होगा धीरे धीरे कि भाई जो हमने पढ़ा है, सारा का सारा वही पूछा गया है और आगे भी वही पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक बार हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे SSC GD के PYQs के बारे में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चल रहा है मामला, ये हम SSC GD के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई? ध्यान रहे आप लोगों को, और आपको ये सेशन मस्ट है ज्वाइन करना। और अपने सभी भाई बहनों के साथ आप इस सेशन को शेयर भी करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप लोग गुजारिश मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सब लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, सेशन को बहुत ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है? सभी लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। टॉपिक जैसे हम लोग आपका, मैं बाद में रिविजन भी पूरा करवाऊंगा, जैसे भी एक लंबी मैराथन क्लासेज अपन लेंगे, दो चार जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेंगी उतनी मैराथन क्लासेज भी मैं लूंगा। उनमें मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा मैराथन क्लासेज में आप लोगों को, लेकिन अभी मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, कभी किसी टॉपिक का, कभी किसी टॉपिक का। तो इससे आपको पता लगेगा कि भाई आपको भी कितना मामला आया है, ठीक है, कितना आप लोगों ने सीखा है। तो चलिए भाई, एक बार फिर से सब लोगों का स्वागत है, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल की। दोस्तों पहला सवाल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, एवरेज स्पीड आप लोगों से पूछा है। सवाल में बोला गया है, एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करी है, या कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। तो बताइए दोस्तों, औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, क्या आप लोगों ने सीखा है, वो बात आप लोग मुझे बताइए जरा। औसत चाल मैंने पढ़ाया है भाई, जो लोग मुझसे पढ़े हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम है सारी चीज़ें। देखो भाई, औसत चाल कभी भी आपको कहीं भी औसत चाल निकालनी पड़े, आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन औसत चाल अपन निकालेंगे ना तो कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो बेहद आसान तरीके से आप ध्यान रखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मेरी बात सुनो भाई, एवरेज स्पीड अभी निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सब भाई, एवरेज स्पीड देखो भाई, सुनो, टोटल डिस्टेंस भाई देखो, 8 किलोमीटर तो बंदा यहाँ पे चला है, ठीक है, 12 किलोमीटर यहाँ पे चला है, और मेरे भाई 18 किलोमीटर आगे भी चला है वो, ये देखो यहाँ पे चला है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 प्लस 12 प्लस 18, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं बताए भाई, टाइम आप जानते हो दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, भाई दूरी बटे चाल, यही तो समय होता है। तो सुनो, ये दूरी 8 किलोमीटर 4 की चाल से तय करिए तो 8/4 करूंगा, 12 किलोमीटर 3 की चाल से चलिए तो 12/3 करूंगा, और मेरे भाइयों आगे 18 किलोमीटर 2 की चाल से तय करिए तो 18/2 करूंगा, ठीक है भाई। तो देखो ऐड करो, 8 12 20 और 18, ये 38 हो गया, 38 में भाग दूंगा, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 आएगा, तो 2 4 6 और 9 15, ये 15 आ गया मेरे भाई, क्लियर और नोट। बताइए भाई ध्यान से, भाग देंगे सब भाई, मैंने कहा यार 15 दूनी 30 होता है, पॉइंट लगाएंगे, 8 बचेगा 80, 15 5 75, फिर 5 बचा 15 3 45, लगभग आ रहा है 2.53, 2.53 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अपना जो एवरेज स्पीड यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.53 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना दोस्तों, वो हमारा एकदम राइट आंसर आ जाएगा। जितने भी लोगों ने ठीक बताया है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। इसी प्रकार से आपको सवालों के जवाब देने हैं इसी एक्यूरेसी के साथ। और सबको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी भाई बहनों से मेरी गुजारिश है, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, है ना, लाइक कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, और सेशन को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए भाई, ठीक है।
चलिए भाई, अगले सवाल की शुरुआत हम लोग करते हैं। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, एक कक्षा के सभी 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए, 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए और शेष छात्रों को 84 औसत अंक मिले, तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं ये आप लोगों को बताना है। एवरेज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। देखो भाई, एवरेज क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा होता है, हर एक चीज पढ़ा चुका हूँ एवरेज का, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। एक कक्षा में सभी 60 छात्र हैं गणित की परीक्षा में शामिल हुए भाई, 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो 25 बच्चे हैं ना उनका एवरेज है 96। अगर 25 बच्चों ने 96 के हिसाब से अंक हासिल किए हैं तो टोटल कितने अंक हासिल किए हैं क्या हम लोग ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 25 को गुणा कर दो, 25 सिक्की 150 हासिल आ गई 15, 25 नब्बे 200, 25 में 15 जोड़ूंगा 240। कुल मिला के बात यह है, इन 25 बच्चों ने कितने अंक प्राप्त कर लिए? 2400 अंक प्राप्त कर लिए। इन 25 बच्चों की बात कर रहा हूं अभी मैं। देखो ध्यान देना भाई, 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए थे, टोटल बच्चे भी पता है मुझे कितने थे, 60। अब मुझे बताओ, अगर 60 में से आपके 25 चले जाए तो क्या बचेगा भैया, शेष क्या बचेगा? आप कहोगे सर 35 बचेगा। सवाल में ये बोला गया है जो शेष छात्र है ना उन्होंने 84 अंक प्राप्त किए, तो 35 को किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई? 84 से। तो इनके अंक पता कर लीजिए भैया ना। देखो 35 चौके 140 होता है, हासिल कितनी आ जाएगी मेरे भाई? हासिल आएगी 14। देखो 35 अट्ठे 280, 280 में 14 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 280 और 14 294। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने कितने अंक प्राप्त कर लिए? आप कहोगे सर 2940 अंक प्राप्त कर लिए। बोरा बोला गया है पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है, आपको बताना है, इकट्ठा बताना है 60 बच्चों का। तो देखो भाई, अगर पूरा एवरेज आप लोगों को निकालना है ना तो कुछ भी नहीं करना, टोटल योग बचे छात्रों की संख्या 2400, तो 25 ये अंक आ गए टोटल, 2400 अंक तो इन 25 बच्चों के थे, 2940 अंक इन 35 बच्चों के हैं, तो भाई ये तो आ गए टोटल अंक, और नीचे आ गए टोटल बच्चे 25 प्लस 35 यानी 60। ठीक है मेरे भाई, इनका अपन टोटल करते हैं। देखो भाई 2900 है, 2400 जोड़ोगे 5340 हो जाएगा, 5340, और भाग किसका दोगे बताओ? भाग दोगे भैया 60 का, भाग दूंगा, 0 से 0 कट गया, 6 का भाग दो, 6 8 48 बचेगा, 5 आगे 4 54, 6 9 54, इसका मतलब प्रत्येक बच्चे ने एवरेज कितना प्राप्त किया है? 89। प्रत्येक बच्चे ने एवरेज कितना प्राप्त किया है? 89। तो 89 जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया भाई सभी लोगों को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया शानदार। सेशन को शेयर जरूर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी आप लोगों के सामने हमने एक समय चाल दूरी से रिलेटेड सवाल किया, हालांकि वो औसत चाल उसमें पूछा था, एक एवरेज का और सवाल आप लोगों से पूछा गया, बहुत ही बढ़िया सवाल थे दोनों। आगे देखो, वापस से समय चाल दूरी का सवाल एक हमारे पास आ चुका है, तो समय चाल दूरी या रेलगाड़ी की अगर मैं बात करूं तो दो क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना, रेलगाड़ी और समय चाल दूरी दोनों से एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, दो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आते हैं। सवाल दिया हुआ है, 124 मीटर और 116 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं, क्रमशः 28 किलोमीटर पर आवर और 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। देखो एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर चल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की दिशा कैसी है मेरे भाइयों? विपरीत है। ठीक है, बोला गया मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो ध्यान दे लो, जब भी कोई ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर होती है। ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, ट्रेन को पार करे, पुल को पार करे, खंबे को तो पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर चलती है, लेकिन अगर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर होती है। दोनों की लंबाई बताई गई है, एक ट्रेन की लंबाई 124 मीटर है और एक ट्रेन की लंबाई है मेरे भाई 116 मीटर, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 240 मीटर आ जाएगा। ये तो आ गई मेरे भाइयों दूरी। अब चाल की बात करें, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, चाल की जगह सापेक्ष चाल का यूज किया जाएगा। जब देखो, जब दोनों गाड़ियां चल रही होती हैं तो सापेक्ष चाल हम यूज में लेते हैं, अब जब दिशा विपरीत होती है तो चालें जुड़ जाती हैं, एक की 28 है, एक की 44 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए भाई। अब देखो 28 और 44 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 72 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। या देखो, अगर आप इसको 72 को आप 5/18 से गुणा कर दें तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, तो भाई देखो 18 से 4 बार, 4 5 20, यानी कि चाल आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसे मीटर पर सेकंड में क्यों बदला? क्योंकि तो दूरी मीटर में है।
समय सेकंड में पूछा है तो भाई मीटर पर सेकंड में तो बदलना पड़ेगा। आपसे पूछा है पार करने में लिया गया समय, यानी समय हमें बताना है। तो देखो दोस्तों सारी चीजें आप लोगों के पास आ चुकी हैं, दूरी पता है, चाल पता है, दूरी बटे चाल कर देंगे समय आ जाएगा। दूरी भैया 240 और चाल भाई कितनी है 20, तो भाई 0 से 0 कट गया। इसका मतलब एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का टाइम लेंगे भाई, 12 सेकंड्स लगेंगे एक दूसरे को पार करने में। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी लोगों को समझ में आया, बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर और नॉट? अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। इस तरीके के मैं कराऊं, तुम बताओ मैंने तुम्हें क्या कंसेप्ट नहीं पढ़ाया। ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हें लगे कि यार सर ने ये ना पढ़ाया। मैं यूट्यूब पे सब कुछ तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, कुछ सिंसियर बच्चे मेरे साथ लगातार जो जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर अब तक, तो उनको तो बहुत फायदा होने वाला है, चुटकियों में सवालों के उत्तर देंगे, ये मैं उन पर भरोसा करता हूँ। अगला सवाल देखो, एक बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार सवाल है, लाभ हानि का सवाल है प्यारे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, बता देता हूं आप लोगों को, पेपर में काफी बार पूछा गया है ये वाला सवाल, लाभ हानि का सवाल है, पर हम यहाँ पे एलिगेशन वाली अप्रोच लगाएंगे। मैं बोल रहा हूं वापस से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एसएससी का फेवरेट सवाल है, कहीं ना कहीं एसएससी ने इसको कितनी बार एग्जाम में पूछा है, अदर मतलब अलग अलग प्रकार से हर एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, देखो भाई बोला गया है, लता ने 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदे। कोई बात नहीं भाई, कुल मिला के दोनों पंखों का क्रय मूल्य दिया हुआ है, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताना है। देखो भाई ध्यान से सुनना, आपको पहले पंखे का क्रय मूल्य और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य दिया हुआ है, टोटल क्रय मूल्य है 2160 रुपये। देखो एलिगेशन कब लगता है आप ध्यान दो, बोला गया है एक पंखे को 15% के लाभ पे बेचा, तो भैया देखो पहले को तो बेचा 15% के लाभ पे, तो मैंने +15 लिख दिया, दूसरे पंखे को 9% की हानि पे बेचा तो भैया -9 लिख दिया। ठीक है भाई, एक पंखे को 15% के लाभ पे बेचा, दूसरे को 9% की हानि पर बेचा, ऐसा करने पर पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, ना लाभ ना हानि का मतलब है 0, ना लाभ ना हानि का मतलब है 0, सिंपल बात। हानि को तो लिखना है माइनस में और लाभ को लिखना है मेरे भाई प्लस में। सुनो, पहले पे 15% का फायदा हुआ +15, 9% का नुकसान हुआ -9, पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि तो 0, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाते हैं ना जब ज्यादा में से कम घटाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं ज्यादा में से कम घटाते हैं, 15 में से 0 घटाओगे मेरे भाई 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहां देखो इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो भाई 0 ज्यादा है, और 0 में से जब मैं माइनस के 9 को घटाऊंगा, 0 में से माइनस के 9 को घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये मेरे पास कितना आने वाला है दोस्तों, 9 आने वाला है। आपको पता है लाभ हानि पे एलिगेशन लगाएंगे अनुपात क्रय मूल्य का आएगा, क्योंकि लाभ हानि तो क्रय मूल्य पे होता है। देखो भाई 3 से काटो, 3 से काट दीजिए, मैंने काटा 3 से 3 बार, और 3 से कितनी बार काट दिया मेरे भाई 5 बार, तो ये 3 अनुपात 5 हमारे पास आ चुका है, ये क्रय मूल्य का अनुपात आ चुका है। अगर मैं कहूँ भाई टोटल कितना हुआ, तो आप कह दोगे 3 और 5 का टोटल गुरुजी 8 होता है, जिसका मान सवाल में 2160 दिया हुआ है, 8 यूनिट की वैल्यू 2160। क्लियर और नोट? टोटल कितना हुआ, टोटल अपने हिसाब से तो 8 हुआ है, लेकिन सवाल में 2160 है, 8 का मान 2160 है, 1 यूनिट निकालो, 8 दूनी 16, 5 बचेगा 8, 7, 56, 0, 1 का मान 270 आया। दोनों पंखों का क्रय मूल्य बताना है भैया, 3 का मान भी बताना है, 5 का भी बताना है, कुछ नहीं करना, 270 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 27 से 81, पहला पंखा आएगा 810 रुपये का, और 27 पंजे 135, दूसरा पंखा आएगा मेरे भाई 1350 रुपये का। तो सिंपल सी बात है, 810 और 1350, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो हमारे इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर और नोट? बताइए भाई, डी ऑप्शन हमारे सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, बताइए भाई आया या नहीं आया। ठीक है, अगला सवाल हम लोग लेके चलेंगे। देखो मेरे भाई अगला सवाल आपका डिस्काउंट का है, बहुत मजा आता है जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे होते हैं, कभी किसी लाभ हानि का सवाल, डिस्काउंट का, समय चाल, दूरी का, औसत का, 4 टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया ना। देखो ध्यान दे लीजिए, एक व्यापारी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, और व्यापारी इस घटे मूल्य पर एक और 36.5% की छूट देता है, और दोनों छूटें एक अकेली छूट के बराबर हैं, अकेली छूट क्या है ये आप लोगों को बताना है। प्यारे भाई दिमाग लगाओ, देखो एक डिस्काउंट तो दे दिया 20% का, फिर एक और दिया 36.5% का, एक डिस्काउंट 20% का दिया गया है,
एक डिस्काउंट 36.5% का दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को समझाया, आपको याद भी होगा। अगर आपके पास केवल दो डिस्काउंट आ जाए तो इनका समतुल्य बट्टा निकालना है, इनका एकल छूट निकालना है, तो आप ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100 लगा लो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। बोलो भाई क्लियर और नोट? तो यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो टोटल डिस्काउंट निकाल लेता हूँ भाई। ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी, यानी 20 गुणा 36.5, और बटे में कितना जाएगा बताओ? बटे में आ जाएगा मेरे भाई 100। क्लियर है? ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। अब दिमाग लगाओ, जैसे मैंने भाई 20 से काटा, 20 से 100 पांच बार कट गया भाई, 5 से इसको भी काट सकते हैं अपन लोग। देखो 5 7 35 पॉइंट लगेगा, 5 3 15 भाई एक बचेगा यहाँ पे, तो भाई 5 7 35 एक बचा पॉइंट लगेगा, 5 3 15, ये 7.3 या 30 कह सकते हो, एक ही बात है, 7.3 कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना भाई, 20 और 36, अगर आप 20 और 36 को जोड़ोगे तो ये आएगा 56.5। कितना आएगा मेरे भाई? 56.5, और इसमें से माइनस करना है 7.3। देखो 56 में से 7 जाएगा, 49 आएगा, 0.5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डिस्काउंट कितने परसेंट का आएगा? 49.2% का आ जाएगा। ये डिस्काउंट कितने परसेंट का आएगा साथियों? 49.2% का डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है क्या? पूरा पेपर हम हल करेंगे, जितने भी इस पेपर में सवाल है सारे के सारे कराऊंगा। एडवांस के छत्रमिति के कौन से पूछे गए हैं, वो भी बेहतरीन सवाल एक दो पूछे गए थे, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सभी लोगों के लिए एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा उपहार उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये जो 4 दिन का अपना रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, अब इसके अंतिम 2 दिन बचे हैं आप लोगों के पास, आज यानी 26 जनवरी को और कल यानी 27 जनवरी को। आप कोई भी उत्कर्ष ऐप पर कोर्स परचेज करोगे, कोर्स में एनरोल करोगे, तो आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है। किसी भी ऑनलाइन कोर्स की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूलिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो, यानी कि आपके भाई बहन, आप यार दोस्त, अगर कोई भी दोस्तों तैयारी कर रहा है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, सिविल सर्विसेज की, या जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना, सभी कोर्स आपको उत्कर्ष क्लासेज के ऐप पर मिलेंगे। भारत का एकमात्र ऐप है जिस पे आपको हर चीज का कोर्स मिलेगा, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई SSC के भी सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स पर 90% तक की शानदार छूट आप लोगों को मिल रही है दोस्तों, और इस गणतंत्र दिवस पर पाए नाम मात्र शुल्क में बेहतर शिक्षा, ये अपना लोगो है, बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में, ना के बराबर हो। आपको पता है अपना कंटेंट कैसा है, अपना सिस्टम कैसा है, लाइव क्लासेज एप्लीकेशन में आपको डाटा किस तरीके से मिलेगा, बहुत ही शानदार अल्टीमेट, कोई और सोच भी नहीं सकता ना, उस तरीके से हमने आपके लिए क्लासेज बनाई है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप क्लासेज को सुन भी सकते हो, सुन भी सकते हो, पूरा PDF सिस्टम, पैनल PDF वगैरह सब आपको मिलता है बहुत शानदार बेहतरीन तरीके से। तो बिना किसी देरी के अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है किसी लाइव कोर्स को ज्वाइन करना, रिकॉर्डेड कोर्स को ज्वाइन करना, तो आप उत्कर्ष क्लासेस के ऐप डाउनलोड कीजिए और आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक बिल्कुल सिंपल बोर्ड मार्क्स के नियम का सवाल आप लोगों से पूछा गया, सवाल में दिया हुआ है 95 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 12 ऑफ 12। देखो इसका मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, जब आप बोर्ड मार्क्स का नियम पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं बताओ, सुनो, जब आप बोर्ड मार्क्स का नियम पढ़ते हो ना मेरे भाई, बहुत सारे भाई क्या करते हैं पता है यार, ऑफ का मतलब गुणा होता है, और गुणा से पहले एक काम करता हूँ भाग दे लेता हूँ पहले भाग, ठीक है? तो ये गड़बड़ हो जाती है, सवाल हो जाता है आपका गलत। इस ऑफ का मतलब होता तो गुणा ही है, लेकिन ये भाग से भी पहले होता है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब भाग देना है, इसका मतलब होता है ऑफ यानी कि का, ठीक है? होता तो इसका मतलब गुणा ही है, लेकिन ये भाग से भी पहले आता है। नीचे ये मल्टीप्लाई आता है, इसका मतलब गुणा, ये एडिशन आता है जोड़, और ये अपना सब्सट्रैक्शन आता है घटाओ, लेकिन और ये ब्रैकेट होता है, ये बार वाला सिस्टम होता है, ठीक है भाई? तो याद रखोगे जो ऑफ होता है ना, ये तो मेरे भाई भाग से भी पहले होता है। तो गलती जहां पे एग्जामिनर आपसे करवाता है वो ये पॉइंट है, ठीक है भाई? इसके अलावा आगे क्या दिया हुआ है, देखो भाई पहले तो मैं इसे हल कर रहा हूँ कोष्टक के अंदर। देखो 95 माइनस, ध्यान से मेरी बात को सुनना, पहले मैं इसको करूंगा 12 12 144 आएगा, 144 में 144 का भाग दूंगा मेरे भाई बचेगा 1, ठीक है? माइनस, अब ध्यान दो आप, इसे मैं सोल्व कर रहा हूं, आप मुझे बताओ यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। आगे कोष्टक में माइनस है, मैंने माइनस लगा लिया, इसे मैं हल कर रहा हूं, सुनना भाई।
देखो भाई, माइनस का 17, माइनस का 10, माइनस का 27 हो गया और प्लस का 3 है, तो माइनस का 24 बचेगा। आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो 24 हो जाएगा प्लस का। बताओ ये वाली बात बची या नहीं बची? सभी भाई सहमत हैं इस बात से? बहुत आराम से सोल्व करना है। पहले का सोल्व होगा 144, 144 में 144 का भाग है, एक आ जाएगा मेरे भाई। देखो आ गया है माइनस, लेकिन कोष्टक में भी माइनस था तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, 4 आया। अब यहाँ देखो आप, देखो भाई 3 में से 17 -14 -14 और -10 -24 आएगा, लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस +24 ही बन जाएगा। तो भाई देखो 95 में से अपने को माइनस करना पड़ेगा 24, 4, 28 और 1 29, कितना माइनस करना पड़ेगा मेरे भाई? 29 अपने को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बच जाएगा? 66 हमारे पास बच जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा बोर्ड मार्क्स का सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल, एक बहुत ही आसान सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों से बेहतर तरीके से कर पाएंगे और सारी चीज़ें आप लोग बता पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो भाई सवाल है किसका है भैया, परसेंटेज का मान लो, डिस्काउंट का मान लो। बोला गया है एक मोबाइल फोन 15,500 रुपये में खरीदा गया था, इसके मूल्य में 20% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है मेरे भाई कमी, ह्रास का मतलब होता है कमी। ठीक है, इंग्लिश में भी आप पढ़ लिया करो सवाल को, अगर कोई दिक्कत आए तो। ठीक है भाई, बोला गया है इसका जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होता है। ठीक है भाई, तो ह्रास होता है 20% के हिसाब से। तो बताना है इसकी 2 साल बाद कीमत क्या बचेगी। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत सवाल मैंने ऐसे करवाए हैं। भाई मुझे बताओ, वस्तु का जो फोन है, फोन जो है उसका जो कीमत है वो क्या दिया हुआ है? 15,500 रुपये। फोन का कीमत दिया हुआ है 15,500 रुपये। ठीक है, इसके मूल्य में हर साल 20% की कमी होती है। पहले साल 20% की कमी होगी, 80% बच जाएगा। फिर से 20% की कमी होगी ना मेरे भाई, तो फिर से 80% बच जाएगा, ये फोन की कीमत आपकी बचेगी। क्लियर और नोट बताओगे? ठीक है, ध्यान दोगे मेरे भाइयों आप लोग? देखो 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, फिर इसको भी काट दिया 20 से 4 बार और इसको काट दिया मेरे भाई 5 बार। ठीक है, दिमाग लगाना है भाई। देखो 5 5 25 होता है, 25 से इसे काट रहा हूँ। देखो 25 6 150 होता है, 5 बचेगा 50, 25 दूनी 50 और 1 0 620 आ गया। तो ये तो आ गया 620 और गुणा में बचा 4 चौके 16, गुणा करो भाई 0 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 6 96 और 3 कितना होता है मेरे भाई? 99। तो अपना जो मोबाइल का कीमत बचेगा ना 2 साल बाद, वो बचेगा 9,920 रुपया। क्या बचेगा मेरे भाइयों? 9,920 रुपया। यानी कि ऑप्शन ए जो है ना वो आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर और नॉट? ठीक है, एकदम क्लियर आंसर आ जाएगा हमारा, कौन सा भाइयों? ऑप्शन ए। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। सवाल दिया हुआ है कि हाउ मच रुपीज में बताना है अपने को। ठीक है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख का मूलधन 3 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा? बहुत सारे तरीके इस सवाल के होते हैं, आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ भाई। सिंपल सी बात है, मूलधन कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 1 लाख दिया हुआ है। कितना हो जाएगा आपसे मिश्र धन पूछा है। देखो दोस्तों ध्यान दो, ब्याज की दर दे रखी है हम लोगों को 10%, ब्याज की दर है 10% और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 3 साल। मैंने आपको सक्सेसिव रेट समझाया है। देखो अगर आता है सक्सेसिव रेट तो बढ़िया है, सक्सेसिव रेट से सवाल करना चाहिए। 10% की दर से 3 साल का अगर आप सक्सेसिव रेट निकालो, प्रभावी दर निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो मेरे भाई वो 33.1% होता है। भाई बेसिक से तो आप कर ही लोगे, बेसिक से तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 33.1% होता है, तो मैं कह दूंगा यार 1 लाख पे 33.1% ब्याज मिल जाएगा। 1 लाख का 33.1% निकाल दीजिए आप, 33.1%। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 कटेगा और पॉइंट से 1 0 और कट जाएगा, तो आएगा 331 को 100 से गुणा करूंगा, 33,100 रुपया ब्याज आ गया। ये तो ब्याज आया है। ठीक है, अपने को तो मिश्र धन बताना है। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। 1 लाख में जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 1,33,100 रुपया। क्लियर है कि नहीं बताओ आप? एक तो तरीका ये होता है। दूसरा भाई ध्यान दो, आप जानते हो ब्याज की दर दे रखे 10%, 10% का मतलब 1/10 होता है। जब भी मिश्र धन बताना हो ना तो आप रेशियो वाला तरीका लगा लो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो इसका मतलब है 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, हमारी राशि 10 से कितनी हो जाएगी? 11। फिर 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, राशि हो जाएगी 10 से 11। फिर 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, 10 से 11। अगर टाइम 3 साल है तो आप ऐसा 3 बार करोगे, ये आपका मूलधन आ जाएगा, ये आपका मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? देखो इनको करना है अपने को गुणा, इनको क्या करना है? गुणा करना है। तो भाई देखो 10 गुणा 10 गुणा 10, ये 1,000 होता है। ठीक है,
और 11 गुणा 11 गुणा 11 ये 1331 होता है, क्लियर और नोट। तो हम कह सकते हैं हमारी राशि 1000 है तो 1331 हो जाएगी, लेकिन राशि 1000 नहीं है, 1000 का मान तो सवाल में 1 लाख दिया हुआ है, 1000 का मान तो सवाल में 1 लाख दिया हुआ है। तो भाई तुम खुद अंदाजा लगाओ, 1 यूनिट का मान 100 आएगा। अब 1 का 100 आएगा, मिश्र धन बताना है, 1331 का मान बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,33,100। तो इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते थे, 1,33,100। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है मेरे भाई, बात इस सवाल की नहीं है, यहाँ तो आपको मूलधन दर और समय सारी चीज़ें बहुत आसान दे रखी हैं, लेकिन कोई भी सवाल आपसे इस तरीके का पूछे तो वो आपको बताना है और कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखें। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। काफ़ी सारे बच्चे लगातार आंसर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। देखो भाई सवाल सुन लीजिए फिर से, देखो भैया टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो अंदाजा देखो पेपर के माध्यम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस एग्जाम से या किस टॉपिक से वो कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछता है, किस प्रकार के सवाल हमसे पूछता है। हालांकि हम नहीं कह सकते कि भाई इस बार भी ऐसा ही आएगा, ये अंदाजा लगाना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, वो एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है, पर फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि यार टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बढ़िया टॉपिक है, इससे बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं लगातार। बोला गया है 185 मीटर लंबाई की और एक दूसरी जो है वो 175 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं, पहली और दूसरी की चाल 80 और 64 है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने एक सवाल आपको ऐसा करवाया था। सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाइयों कि हमें ज्ञात करनी होगी दूरी, क्या ज्ञात करनी होगी दूरी, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर होती है। पहली की लंबाई तो है 185, दूसरी की लंबाई है 175, दोनों को ऐड कर दो मेरे भाई, 100 और 100 200, 150 160, मतलब हो गया 360, कितना हो गया टोटल ये 360, क्लियर भाई 360 मीटर हो गया। अब बात करते हैं चाल की, जब दोनों गाड़ियां चल रही होती है तो चाल की जगह सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड की बात हम लोग करते हैं। देखो भाई अगर दिशा समान हो तो चालें घट जाती हैं, लेकिन दिशा विपरीत हो तो जुड़ जाती हैं, तो ये विपरीत दिशाओं में जोड़ रही हैं तो चाल जुड़ जाएंगी। तो 80+64 करूँगा, 80+64 आप करोगे तो 144 किलोमीटर पर आवर आएगा, लेकिन ध्यान दो डिस्टेंस मीटर में ये किलोमीटर पर आवर में ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक काम करो 144 को 5/18 से गुणा कर लो मेरे भाइयों, 5/18 से, 18 × 8 = 144, 8 × 5 = 40, यानी कि हमारी जो चाल है ना वो आ गई 40 मीटर पर सेकंड। हमने क्यों बदला, अरे यार समय भी तो सेकंड में दे रखा है ना, बदलना पड़ेगा। आपको दूरी पता लग गई, चाल पता लग गई, समय बताना है मेरे भाई। समय होता है दूरी बटे चाल, समय क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो कितनी है मेरे भाई 360 है, चाल कितनी आई है बताओ जरा, चाल आई है 40, भाग दीजिएगा, जीरो से जीरो कटेगा तो भैया 4×9 = 36, 9 सेकंड का समय यहाँ पे लग जाएगा। बताओ किसी भी भाई को कोई समस्या, 9 सेकंड का जो समय है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यह सवाल भी समझ में आया बेहतरीन तरीके से, बताओ। चलिए भी बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ए और बी मिलकर कोई काम 24 दिन में कर सकते हैं, ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। भाई क्षमता पे आधारित क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का सवाल है, बड़ा आसान है। ध्यान दो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, भाई आपको दो लोग दे रखे हैं ए और बी, दो लोग आपको दे रखे हैं, आपको इनकी क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। पहली बात तो ये कि आपको इनकी क्षमता का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। क्या बोला है, ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, यानी बी अगर दिन में एक पेड़ लगाएगा तो ए भाई 2 गुना कार्य कुशल है तो ये 2 पेड़ लगाएगा, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है, क्लियर और नोट। बोला क्या गया है भाई, ए और बी 24 दिन में कर सकते हैं। एक बार आप टोटल काम निकालोगे, जब भी आपको क्षमता से रिलेटेड प्रश्न आ जाए एक बार आप टोटल काम निकाल लीजिए, भाई दिमाग लगाना। ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो काम को 24 दिन में कर देते हैं, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं 24 दिन में कर देते हैं। मुझे ये बताओ ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, अरे 2 काम ये करता है एक काम ये करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 3, 24 दिन तक कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल काम कितना हुआ, इसका मतलब टोटल काम 72 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम कितना है मेरे भाइयों, 72। भाई देखो 24 दिन तक काम करते हैं ए और बी, 24 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में करते हैं भाई 3, तो बेहतर काम हो गया। बताना क्या है, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, अपने को बताना है भाई बी का समय, बी का टाइम अपने को बताना है, ठीक है, बी कितने समय में करेगा।
समय होता है कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो मुझे खुद बताओ टोटल काम करना कितना है, टोटल काम करना है 72। बी एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में करता है एक, तो यार 72 वर्क है, एक दिन में एक ही करता है, तो सिंपल सी बात है यार 72 डेज लग जाएगा। क्लियर है क्या, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 72। ठीक है, अगर पूछता ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो मैं कहता यार 72 है, ए एक दिन में दो करता है, मैं दो का भाग देता और 36 मेरे सवाल का एकदम राइट आंसर आ जाता। क्लियर और नॉट, बताइए भाई। चलो दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एम और एन मिलकर एक काम को 18 दिनों में, एन और पी 26 दिनों में, एम और पी 14 दिनों में कर सकते हैं। दिनों की वो संख्या बताओ जहां सब लोग एक साथ काम करें ना, तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। सभी भाई बहन ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से, फटाफट से कीजिए भाई ट्राई, सवाल का आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताएंगे सारे के सारे लोग, क्या आंसर इसका होने वाला है। बहुत बेहतरीन सवाल है, टाइम एंड वर्क का गजब का क्वेश्चन है, सब लोगों को करना है, सेकंडों में उत्तर आप लोगों का आना चाहिए। ठीक है भाई, सेकंडों में आपका आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, बोला गया है एम और एन मिलके काम करते हैं 18 दिन में कर देते हैं। देखो भाई अगर मैं बात करूं एम और एन मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में कर देंगे, 18 दिन में। एन और पी 26 दिन में कर देते हैं, अगर एन और पी की बात मैं करता हूं तो एन और पी कितने दिन में कर देते हैं भाई, 26 दिन में कर देते हैं। उसके बाद है एम और पी 14 दिन में कर देते हैं, अगर एम और पी की बात मैं करता हूं तो एम और पी कितने दिन में कर देते हैं भाई, 14 दिन में कर देते हैं। क्लियर, सबसे पहला काम क्या होगा, एलसीएम लेके टोटल काम निकालना। आप इनका एलसीएम लो 18 26 14, आप इनका एलसीएम लो, एक एक नंबर 18 आया, एक नंबर 26 आया, एक नंबर 14 आया। अगर नहीं सोच पा रहे हो तुरंत लिख दो, दो का भाग दोगे मेरे भाई 9 बार, इसमें 13 बार, इसमें 7 बार। अब तुम खुद देखो, देखो इनमें किसी का भाग नहीं जाता, किसी का नहीं जाता तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सुनो, ये आएगा 2 नंबर 18, 18 को 7 से गुणा करो, 18 7 126 होता है, और 126 को फाइनल गुणा किससे करना है भाई, 13 से भी करना है, तो 13 6 78, 13 2 26, 26 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 33, हासिल आएगी 3, 13 कम 13 और 3 16, यानी कि इन सब का जो एलसीएम आ रहा है ना भाईयो वो आएगा 1638। एलसीएम क्या आएगा 1638, यानी कि टोटल काम 1638 है, टोटल काम 1638 है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इसमें 18 का भाग दूंगा तो जाएगा 13 7 91 बार, कितनी बार जाएगा 91 बार। 26 का भाग दूंगा ना 26 का, वो जाएगा 9 7 63 बार, ठीक है भाई 63 बार। और अगर 14 का भाग दूंगा ना भैया 14 का, वो जाएगा 13 नंबर 117 बार, कितनी बार जाएगा 117 बार। तो भाई सवाल में कुछ नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के, सवाल में कुछ नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के। वापस मेरी बात को समझोगे सब भाई, एम और एन 18 दिन में कर सकते हैं, एन और पी जो है वो 26 दिन में कर सकते हैं मेरे भाई, और एम और पी जो है वो 14 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लिया, टोटल काम 1638 आ गया। अगर 18 दिन में 1638 करेगा तो एक दिन में 91, 26 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में 63, 14 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में 117। अगर मैं इनको जोड़ दूं ना मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं यहाँ पे इनको जोड़ के टोटल निकाल रहा हूँ सबका, ठीक है भाई सबका टोटल निकाल रहा हूँ। इनको जोड़ो आप, एम 2 बार आएगा, एन 2 बार आएगा, पी 2 बार आएगा, तो मैंने कहा यार 2 बार आ रहा है, कौन कौन, एम प्लस एन प्लस पी, ये तो 2 बार आया, 2 बार मिलके ये कितना काम कर रहे हैं, इसको ऐड करो, 1 और 3 4 4 और 7 11 का 1 हासिल आई 1, 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17 हासिल फिर आई 1, और 1 और 1 2, यानी 271। एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में 271 काम हो रहा है, लेकिन ये जबे जबे डबल करते हैं। अगर मैं कहूँ यार एम एन पी की एफिशिएंसी बताओ, एम एन और पी की एफिशिएंसी बताओ, तो आप कह दोगे सर 271 में किसका भाग दे दो, 271 में 2 का भाग दे दो, ये आ गया तीनों का काम, ये किसका काम आ गया प्यारे बच्चों, ये तीनों का काम आ गया। अब सुनो हमें ये बताना है तीनों को काम करने में समय कितना लगेगा, ये तो क्षमता ही है ना भैया इनकी, तीनों को काम करने में समय कितना लगेगा, समय आपको बताना है, और समय होता है कार्य बटे क्षमता। मुझे बताओ टोटल काम कितना करवाना है, आपको कहोगे सर 1638 काम करवाना है, और एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 271 बटे 2, 271 बटे 2, आपको पता है 2 ऊपर जाएगा,
दो ऊपर जाएगा तो किसी संख्या से गुणा होगा, किसी संख्या से गुणा होगा तो निश्चित रूप से वो संख्या सम संख्या बन जाएगी, अगर दो किसी से भी गुणा होगा तो सम बनेगा। मैंने ऑप्शनों को देखा है और ऑप्शन में एक ही सम है, इसका मतलब निश्चित रूप से मेरा उत्तर 12 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 271 से ये कटेगा 6 बार, 6 दूनी 12, 12 हमारे सवाल का आंसर आएगा। तो इस सवाल में कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा। एक दो सवाल एग्जाम में ऐसे आएंगे ही आएंगे जिनमें आपको सोचना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा भाई, तभी सवाल पॉसिबल हो पाएगा। सवाल ये आसान है, सवाल में कुछ नहीं है, पैटर्न सबको पता है, कंसेप्ट सबको पता है, बात यह है कि कम समय में इस सवाल को कर कौन पाएगा, मुद्दा यह है। आई बात समझ में? तो भाई देखो 12 दिन हमारे सवाल का, इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत आराम से हम इसका आंसर बता सकते थे। सहमत हो सब भाई? जल्दी से मुझे बताएंगे भाई, ठीक है। कैलकुलेशन है, ध्यान रहे, करना है सब काम। ये सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, बहुत सारे ऐसे सवाल मैंने आप लोगों को बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आप कर पाओगे ना। नंबर सिस्टम का एक सवाल है मेरे भाइयों, 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखो सुनो, 17 का भाग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो 17 छक्की 102 होता है, तुरंत मेरे दिमाग में आ गया ये बात कर रहा है 102 की, एक तो 102 हो गया। 17 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 102 होती है। 34 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी, देखो कितने अंकों की मेरे भाई, 2 अंकों की, तो देखो 34 से कम 34, 34 दुनी 68, 34 दिया 102, तो 34 दिया तो जाना नहीं है, 3 अंक आ जाएंगे, तो 34 दुनी 68 यानी कि एक आ जाएगा मेरे पास कौन, 68। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। सिंपल बात है क्या? देखो सिंपल सी बात है यार, एलसीएम अगर मुझे इनका बताना है ना, तो दिमाग लगाओ ये सारे के सारे कटेंगे किससे मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 34 से कट जाएंगे, किससे कट जाएंगे, 34 से, 34 से ये कितनी बार कटेगा, आप कहोगे सर 3 बार, 34 से ये कितनी बार कटेगा, आप कह दोगे सर 2 बार, या फिर आप ऐसे कर लो भैया 102 68 ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली मुझे 34 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से, यह आ जाएगा भाई 6 चौके 24 में 4, 6 तिया 18 और 2 20, यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा मेरे भाई वो आ जाएगा 204। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 204 एलसीएम। तो एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, कितने ही सवाल हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के किए हैं, ठीक है। अब मैंने तो काट लिया था, अब आपके दिमाग में अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, एक तरफ 102 लिख लो, एक तरफ 68 लिख लो। देखो भैया किसका भाग जा रहा है, आपने देखा 2 का 51, यहाँ पे 34, आपने देखा सर 17 का जा रहा है कितनी बार भाई, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, कुछ नहीं करना होता, बस इनको गुणा करना होता है, सबको गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो भी आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है क्या, गुणा करने पर भी आपके पास एलसीएम जो है वो आ जाएगा। देखो भाई अगला सवाल है आय और व्यय वाला, बचत वाला, कैसे हम लोग करेंगे इसको आप बताएं, जरा जल्दी से कमेंट करके बताओगे इस सवाल का आंसर जो है वो क्या आने वाला है आप लोगों का, बताएंगे भी फटाफट से कमेंट करके, है ना। देखो एक बात तो जीवन में हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है ना, इनकम उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है दोस्तों खर्चा और एक क्या होती है बचत, एक होता है हमारे पास खर्चा और एक क्या होती है हमारे पास बचत, ठीक है भाई, खर्च प्लस बचत। किसी भी व्यक्ति की इनकम को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं मेरे भाइयों, खर्चा प्लस बचत। ध्यान देना सवाल में क्या कह रहा है, एच अपनी आय में से 1/3 भाग की बचत करता है। 1/3 की बचत करने का मतलब है अगर वो 3 कमाता है ना, अगर वो 3 कमाता है ना मेरे भाई, तो 3 में से 1 बचाता है, यानी 3 कमाया तो 3 में से 1 बचाया, इसका मतलब उसने खर्चा कितने का किया, तो आप कह दोगे सर 2 का किया भाई, तभी तो ये बराबर आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, मैं कह दूँ 100 कमाता है 90 खर्चा करता है 10 बचाएगा, अब मैं कह रहा हूँ यार 3 कमाता है 1 का बचा रहा है, इसका मतलब खर्चा 2 का करेगा ना यार, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो भाई सुनो, एच अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है, इसका मतलब 3 कमाता है 1 की बचत करता है, अब 3 में से 1 बचाया तो खर्चा कितने का किया, 2 का किया। सवाल में बोल रहा है 15,600 प्रति महीने खर्च करता है, तो उसकी प्रति माह की बचत बताओ। दोस्तों हमको खर्चा दिया हुआ है 2 का मान दिया हुआ है, बचत पूछा है 1 का मान पूछा है, तो ध्यान दो आपको दिया हुआ है खर्चा, खर्चा यानी 2 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, 15,600, 2 का वैल्यू 15,600 है,
एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो भाई देखो 2 7 14, एक बचेगा 2 8 16, एक का वैल्यू 7800 आएगा। और मुझे बताओ जो बचत है ना मेरे भाई, क्या वो एक यूनिट ही है क्या? और एक यूनिट का मान 7800 आ गया, यानी हमारे सवाल का आंसर भी कितना आ जाएगा? 7800, 7800। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल भाई, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आप सब भाइयों के लिए बता देता हूँ कि भाई अपना जो रिपब्लिक डे ऑफर है उसके अंतिम 2 दिन बाकी हैं, 26 जनवरी और 27 जनवरी। जो भाई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, उत्कर्ष परिवार के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, स्कूलिंग सेक्टर की, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी कोर्सेज पे आप लोगों को 90% तक का ऑफ दिया जा रहा है। खास करके एसएससी के सारे जो कोर्सेज हैं उन पे सबसे भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर आप एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ऑफ उस पर मिल रहा है। ऑफर आज और कल तक के लिए सीमित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू। जुड़ना ना भूलें और सेशन को शेयर कर दें, जरूर कर दें अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस वगैरह, इंस्टाग्राम, जहां भी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हैं, सब भाई बहनों के साथ अपने सेशन को धमाकेदार शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।